वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में राइट्स एंड ड्यूटीज रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे कि पार्टनर्स की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं जो बिजनेस को कंडक्ट करने से रिलेट करती हैं। सो बेसिकली देयर आर फोर ड्यूटीज और ये राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स का मतलब ये है कि पार्टनर्स चाहें तो अपनी ये राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं वो चेंज कर सकते हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो इनको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पार्टनर्स के दरमियान चेंज किया जा सकता है। अब बेसिकली तो इस सेक्शन जो 12 है इसके अंदर राइट्स मेंशन है, लेकिन जो एक पार्टनर का राइट होता है वो बाकी पार्टनर्स की ड्यूटी बन जाती है। तो अगर एक पार्टनर का राइट है कि उसने कंडक्ट ऑफ बिजनेस में हिस्सा लेना है, तो बाकी पार्टनर्स की यह ड्यूटी बनती है कि वो उसको उस बिजनेस में कंडक्ट में हिस्सा लेने दें। तो बेसिकली पहली जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि हर पार्टनर का राइट होता है कि वो बिजनेस में जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। दूसरा है ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज, अगर एक पार्टनर जो है वो एक्टिव पार्टनर है तो उसकी ड्यूटी है कि वो अपने जो भी काम उसको साइन हुआ है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के मुताबिक उसको प्रॉपरली परफॉर्म करे, और उसकी ड्यूटी है कि डिलीजेंटली अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करें, यानी नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए, केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। फिर पार्टनरशिप में डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होगी, हर पार्टनर का राइट टू बी कंसल्टेड है कि पार्टनरशिप के मामलात में उसका जो है ना उसकी ओपिनियन जरूर ली जाए। फिर कुछ डिसीजंस जो हैं वो मेजॉरिटी की बेसिस पर होते हैं कि जिस साइड पर ज़्यादा पार्टनर्स कर रहे होंगे तो वो फैसला हो जाएगा, और कुछ में तमाम पार्टनर्स की कॉन्सेंट जरूरी होती है। फिर है राइट टू हैव एक्सेस टू द बुक्स, के जो रिकॉर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, तो उन तक एक्सेस जो है उसका राइट पार्टनर्स का होता है। तो इन चार पॉइंट्स को वन बाय वन विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, हर पार्टनर का राइट है। अब ये ध्यान में रखें कि ये राइट पार्टनर्स थ्रू कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आफ्ताब, बादल एंड चांद स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन लाइट बल्ब्स टुगेदर अंडर द नेम सोलर ट्रेडर्स। तो तीन पार्टनर्स हैं, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली एंड बिजनेस विल बी मैनेज बाय आफ्ताब ओनली। अब देखिए, उन्होंने जो डिसाइड किया उसके मुताबिक उन्होंने ये फैसला किया कि आफ्ताब सिर्फ बिजनेस को मैनेज करेगा एंड बादल एंड चांद विल नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट। अब अगर हम यहाँ पे सिनेरियो में देखें कि राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट अवेलेबल किसको है, टू ऑल ऑफ देम। हाँ, फर्क यह है कि एग्रीमेंट के थ्रू आफ्ताब अपना ये राइट यूज करेगा, जबकि बादल और चांद ने ये एग्री किया है कि वो अपना ये राइट यूज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि एग्रीड नॉट टू पार्टिसिपेट, और इस तरह से वो साइलेंट पार्टनर बन गए, यानी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये चेंज हो गया है। वरना बेसिक अगर रूल हम कहते और कहते कि जी ये बात डिसाइड नहीं हुई, तो फिर तीनों पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस की मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते। लेकिन अब क्योंकि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जितनी भी हम राइट्स एंड ड्यूटीज इस वीडियो में कवर करें वो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसको चेंज किया हुआ। नेक्स्ट है ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज, ये भी हर पार्टनर की ड्यूटी है। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के मामला से रिलेट करती हैं। सेम एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, आफ्ताब बादल चांद ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया सोलर ट्रेडर्स, और वही बात है कि जी उन्होंने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, बिजनेस विल बी मैनेज बाय आफ्ताब ओनली, और बादल और चांद जो हैं वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे एक्टिव मैनेजमेंट में। अब क्योंकि यहाँ पर एग्रीमेंट के थ्रू उन्होंने चेंज कर लिया, तो जो डिलीजेंटली ड्यूटीज को परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट बनती है वो आफ्ताब के लिए बनती है। बादल और चांद क्योंकि साइलेंट पार्टनर हैं तो ये ड्यूटी उन पर अप्लाई नहीं होगी। वंस अगेन देखें, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि जी ये वाली जो सेंटेंस है कि एंड द बिजनेस विल बी मैनेज बाय आफ्ताब ओनली एंड बादल एंड चांद विल नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, लेट्स अज्यूम कि अगर ये डिसाइड ना हुआ होता तो फिर तीनों पार्टनर्स जो हैं वो उनके पास राइट था कि वो मैनेजमेंट में हिस्सा लेते, और फिर तीनों पार्टनर की ये ड्यूटी होती कि वो
अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली परफॉर्म करें, डिलीजेंटली अटेंड करें अपनी ड्यूटीज को, क्योंकि यहां पर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट के थ्रू आफ्ताब को सिर्फ एक्टिव मैनेजमेंट के लिए सिलेक्ट किया है और बाकी पार्टनर साइलेंट पार्टनर्स हैं, तो ये ड्यूटी अब इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चेंज हो गई है और आफ्ताब को अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली परफॉर्म करनी होगी। बादल और चांद पर ये ड्यूटी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी साइलेंट पार्टनर हैं और वो मैनेजमेंट के अंदर एग्रीमेंट के मुताबिक हिस्सा नहीं ले रहे। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड राइट टू बी कंसल्टेड। इसमें हमारे तीन पॉइंट्स रेलिवेंट हैं। पहली बात तो ये कि हर पार्टनर का ये राइट है कि कोई भी जब डिसीजन हो रही होती है तो उसको कंसल्ट किया जाए, उसकी ओपिनियन ली जाए, उसको बात बताई जाए और उसकी से उसकी राय हासिल की जाए। ये हर पार्टनर का राइट बनता है। अब जाहिर बात है जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो बाजू का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, हर मामले पर तो वो एग्री नहीं कर रहे होते। तो किसी भी मामले में अगर डिफरेंस आ जाता है और वो ऑर्डिनरी मैटर है, ऑर्डनरी मैटर फॉर एग्जाम्पल के किस रेट पर चीज़ सेल करनी चाहिए, कौन से सप्लायर से चीज़ खरीदनी चाहिए, किस वे में काम करना चाहिए, किस शख्स को एम्प्लाई अपॉइंट करना चाहिए, इस तरह के जो ऑर्डनरी मैटर्स हैं वो लॉ कहता है कि कनेक्टेड विद द बिजनेस मे बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। यानी तमाम पार्टनर्स एग्री नहीं कर रहे हैं तो जिस पर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं इन द गुड फेथ, वो उसके मुताबिक डिसीजन हो जाएगा। लेकिन अगर नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज कर रहे हैं, यानी पहले हम टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे थे, अब हम टेक्सटाइल से शुगर मिल पर शिफ्ट कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रही हो, तो वो फिर ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसमें मेजॉरिटी वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, तमाम पार्टनर्स की जो है वो कंसेंट चाहिए होंगी। तो ऑर्डिनरी मैटर्स के लिए मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, जबकि नेचर ऑफ बिजनेस अगर चेंज करना हो या मेन पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट में कोई चेंज करना हो या किसी पार्टनर को नए पार्टनर को लाना हो, उसके लिए कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स रिक्वायर्ड होती है। तो यहां पर हम एग्जांपल्स दो डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है कि आजम, बाबर, यासिर एंड जाहिद आर एक्टिव पार्टनर्स इन पार्टनरशिप। चार पार्टनर हैं, चारों ही एक्टिव हैं, तो चारों का जो है ना कह लें कि ड्यूटी भी बनती है कि वो प्रॉपर काम करें और चारों जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व भी हैं। आजम वांट्स टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन एबीसी बैंक फॉर पार्टनरशिप बिजनेस। हाउएवर जाहिद इज ऑफ द ओपिनियन दैट दे शुड हैव एन अकाउंट इन एक्स वाई जेड बैंक। तो देखें, दो में से एक जगह बैंक अकाउंट खोलना है उन्होंने और दो पार्टनर्स जो हैं वो डिफरेंट उनका ओपिनियन है। एक का कहना है कि एबीसी बैंक में होना चाहिए अकाउंट, दूसरे का कहना है कि एक्स वाई जेड बैंक में होना चाहिए। अब ये ऑर्डिनरी मैटर है बिजनेस का। ऑर्डिनरी मैटर कैसे डिसाइड होगा? बाय मेजॉरिटी डिसाइड होगा। सो द मैटर मस्ट बी डिसाइडेड बाय द डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। तो बाकी दो पार्टनर जो हैं जैसे बाबर और यासिर, ये दोनों जिसके साथ जो है वो कंसेंट दे देंगे, अगर ये आजम की ओपिनियन के साथ कंसेंट दे देंगे कि एबीसी बैंक में होना चाहिए तो वहां अकाउंट ओपन होगा, और अगर ये कंसेंट दे देते हैं कि एक्सवाईजी बैंक में होना चाहिए तो फिर वहां होगा। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सेम है, आजम, बाबर, यासिर एंड जाहिद आर एक्टिव पार्टनर इन अ पार्टनरशिप। बाबर, यासिर एंड जाहिद यानी तीन पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर्स कितने? चार। चार में से तीन पार्टनर वांट टू चेंज द नेचर ऑफ बिजनेस फ्रॉम रिटेलर ऑफ यार्न टू मैन्युफैक्चरर ऑफ शुगर। कि पहले वो यार्न यानी धागा बना रहे हैं और अब वो शुगर यानी चीनी बनाना चाहते हैं, बट आजम डज नॉट एग्री। तीन पार्टनर्स चेंज करना चाह रहे हैं, एक पार्टनर चेंज नहीं करना चाह रहा नेचर ऑफ बिजनेस, तो क्या चेंज किया जा सकता है? अब इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि ये ऑर्डिनरी मैटर नहीं है, ये है नेचर ऑफ द बिजनेस वाली बात, और नेचर ऑफ बिजनेस वाली बात सिर्फ तब हो सकती है जब ऑल द पार्टनर्स माने। हालांकि ये देखें मेजॉरिटी यहां पर जो है बाबर, यासिर, जाहिद, फोर में से थ्री पार्टनर्स, मेजॉरिटी जो है वो चाह रही है कि नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो जाए, लेकिन चेंज नहीं हो सकता जब तक कि चारों पार्टनर्स एग्री ना हो जाएं। अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री, नेचर ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी चेंज्ड। Every partner has a right to have access to and inspect and copy any of the books of the firm. Access to का मतलब ये है कि वो उन books को देख सकते हैं, to inspect मतलब check कर सकते हैं, and copy यानी अगर उसमें से वो photocopy कोई लेनी चाहें, किसी चीज़ को note करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
ये नहीं है कि जी देख सकते हैं और फोटोकॉपी नहीं करवा सकते। तो वो अगर उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रखना चाहते हैं, उसके रिकॉर्ड्स को चेक करना चाहते हैं, उन बुक्स को देखना चाहते हैं कि कैसे मेंटेन हो रही है, तो वो ये सब काम कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, और उसमें से किसी पोर्शन की या फुल उसकी कॉपी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है कि आफ्ताब बादल एंड चांद स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन लाइट बल्ब टुगेदर अंडर द नेम सोलर ट्रेडर। डिसाइड उन्होंने किया कि प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, बिजनेस मैनेज होगा बाय आफ्ताब ओनली एंड बादल एंड चांद विल नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट। ये राइट हर पार्टनर का है। बादल एंड चांद एंड आल्सो आफ्ताब। अब देखें, जो साइलेंट पार्टनर्स हैं वो भी और जो एक्टिव पार्टनर है वो भी हैव राइट टू एक्सेस इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। तो कॉपी भी कर सकते हैं, इवन कॉपी भी हम इसमें नोट कर सकते हैं। तो एक्सेस भी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं अकाउंट्स की। एक्टिव पार्टनर भी कर सकते हैं और साइलेंट पार्टनर भी कर सकते हैं। यहां पर आफ्ताब इज एक्टिव पार्टनर, बादल एंड चांद आर साइलेंट पार्टनर्स, तो सबका ये राइट है। हाँ, अगर एग्रीमेंट एक हो जाए और लेट्स से कि क्योंकि ये सारी जो हम राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है, अगर पार्टनर्स यहां पर ये एग्री कर लेते हैं मिलकर सारे के सारे कि चांद जो है उसका राइट नहीं होगा बुक्स को एक्सेस करने का, तो ये राइट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास चार राइट्स एंड ड्यूटीज थे टोटल, जो कि एक पार्टनरशिप में कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेट करते हैं। हमें जहन में रखना है कि ये ऐसे राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जो कि अप्लाई होते हैं किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस फर्म पे, लेकिन अगर पार्टनर्स चाहें तो आपस में एग्रीमेंट करके, कॉन्ट्रैक्ट करके इन राइट्स एंड ड्यूटीज को चेंज और जो है अवॉइड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे, हैव अ गुड डे।